हेलो गाइस, पुष्पा की रसोई में आप सबको स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपकी दिवाली बहुत ही अच्छे से मनाई होगी। तो अब हम चलते हैं आटे से बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी नाश्ता तैयार करने। तो ये देखिए, मैंने आटे को लगा लिया है। आटे में मैंने आज बगैर मोयन के थोड़ा सा बस काला नमक भर डाला है। तो आप यदि चाहें तो मोयन डाल भी सकते हैं, पर मुझे आज सादा बनाना था तो मैंने एक चीज़ और ली है, तेल। क्योंकि अब सर्दी का सीज़न है तो तेल हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो मैं इस तरह से आटे में डाल करके रोटी को बेल लूँगी। रोटी को हमें ज़्यादा बहुत पतला बहुत ही ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, मीडियम ही रखेंगे। तो मैंने आटा को बहुत टाइट लगाया हुआ था, इसलिए वो थोड़ा फट भी रहा है। और मेरा आटा थोड़ा इस बार बहुत ज़्यादा वैसी पीस दिया था, तो वो बहुत ज़्यादा चिकना नहीं था। तो ये देखिए, मुझे दूसरी रेसिपी लेना है। कल मैंने आपको बताया था कि मैंने कचौड़ी बनाई हुई थी, तो उसका बैटर ये रखा हुआ था, मैंने फ्रिज में रख दिया था। क्योंकि इसको तो हम स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब आपको ज़रूरत हो बना सकते हैं। यदि आपके पास ये ना हो तो आप सत्तू का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आपके पास बेसन हो तो भूंज के। तो ये देखिए, मेरा बैटर बचा हुआ था, तो मैं इस तरह से इसको बीच में कटोरी रख के या आप कोई चीज़ रख के, तो आपको उस जगह छोड़ देना है। इस तरह से हमें चाकू से कट करके इसको फोल्ड कर देना है। और हमने पहले पानी लगाया था, फिर ये बैटर लगाया था। तो इस तरह से आप लगाएंगे तो जो आपका बैटर वो फैलेगा भी नहीं और उसी में चिपक जाएगा। तो ये हम रोल इस तरह से बना के तैयार कर लेंगे। तो इससे मैं आज दो रेसिपी बना के दिखाऊंगी, एक राउंड वाली एक चपटी वाली। तो ये देखिए, राउंड वाली मेरी तो बन के तैयार हो चुकी है, और ये मैंने चपटी वाली भी देखिए बना के तैयार कर ली है। तो इस तरह से अब हम हाथों से मैं बताऊंगी कि इस तरह से दबा दबा के हमें बनाना है। तो ये दीजिए, हम लोई की तरह बनाएंगे उसको, हाथ से इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये हमारी दूसरी मटरी बन के तैयार हो जाएगी। आज मैंने ये मसाला मटरी बनाई हुई है, अभी मैंने पिछला वीडियो बनाया था वो जो सादा मटरी थी। तो इस तरह से आप इसको बना करके तैयार कर लेंगे। ये बहुत जल्दी और बहुत आसान तरीके से बन जाती हैं, और ये हमारे सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। क्योंकि इसमें तेल पड़ा हुआ है और हमने मूंग की दाल का बैटर बना के तैयार किया था। और तो ये देखिए, इस तरह से ये कितने जल्दी, और जब भी आपको कुछ समझ में ना आए तो आप इस तरह से ब्रेकफास्ट बना के तैयार कर सकती हैं। क्योंकि आटा घर का होता है और ये बैटर है, तो आप बना के स्टोर करके रख सकते हैं। तो हम काफ़ी दिन तक इसको यूज करेंगे, तो नई नई रेसिपी बना के आप तैयार कर सकते हैं। तो आज मुझे ब्रेकफास्ट बनाना था जल्दी, तो मैंने कहा अब ये रखा हुआ तो इसी को मैं बना लूँ। मैंने बार बार बताती हूँ कि मैं कोई भी सामान फेंकती नहीं हूँ। तो इस तरह से आप बना के तैयार कर लीजिए, तो आपके बच्चे भी बहुत चाव से खाएंगे। तो अब ये देखिए, मेरे बनने को बस थोड़ा सा बचा है, तो मैं इस तरह से तैयार करके अब इनको मैं फ्राई कर लूँगी। आँच हमें स्लो ही रखना है, क्योंकि स्लो आँच में हमारी मट्टी जो होती है बहुत ही खस्ता बन के तैयार होगी। यदि आप तेज़ आँच करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे, तो इतना आपको मज़ा नहीं आएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, जब भी आप इन मटरियों को तलें तो आँच को एकदम धीमा रखें और इस तरह से गोल्डन होने तक इनको पकने दें।
आप कोई जल्दबाजी ना करें। और इसी तरह से बना के मटरियां जी ये जो तैयार होंगी ये बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होंगी, और आप इनको महीने दो महीने जितने दिन भी स्टोर करना चाहें कर सकते हैं, और जब आपका मन करें तो खाइए और अपने परिवार को खिलाइए और इंजॉय करिए। तो ये देखिए अब हमारी ये मटरियां ये सिक के एकदम तैयार हो चुकी हैं। अब हम इनको टिश्यू पेपर पर निकाल के रख लेंगे। अब हम इसी आटे से दूसरी रेसिपी बना के दिखाएंगे। तो ये देखिए मैंने रोटियों को पतला पतला बेल लिया है, और मैंने थोड़ा सा रिफाइंड और थोड़ा सा मैदा डाल करके इस तरह से हम 6-7 पूड़ियाँ जितनी आप बना सकें उस तरह से पतली पतली बेल के, और ये मोयम लगा के एक के ऊपर एक को हम रख देंगे, और मैदा को हम डालते जाएंगे और रिफाइंड को भी डालते जाएंगे। तो इस तरह से देखिए एक रेसिपी और बन के हमारी तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए इसी तरह से आप बस बनाइए और एंजॉय कीजिए। ये बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई। आपको विश्वास नहीं करेंगे कि ये आपने घर पे ही रेसिपी बना के तैयार की है। तो बस अब हम इनको पतला पतला बेल लेंगे और फिर इसमें थोड़ा सा और मोयम लगाएंगे। इस तरह से आपको कम से कम 10-11 बार परतों को तैयार कर लेंगे, और हम इसको बेल के बस इसको फ्राई कर लेंगे। फिर आप देखिए ये कितने अच्छे से पेटीज बन के तैयार होगी। आप विश्वास नहीं करेंगे कि यह हमने घर पे पेटीज बना के तैयार की है। तो आज के बाद आप भी मार्केट से मत लाइए, जब भी आपकी इच्छा हो खाने की या बच्चों को खिलाने की तो आप इस तरह से बना के पिज्जा तैयार कर सकते हैं, और आपके बच्चे भी नहीं पहचान पाएंगे कि आपने इतने अच्छे से और इतने आसान तरीके से घर में पिज्जा बना के तैयार किया है। तो इस तरह से देखिए ये सारी परतें अब हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसको हाथ से थोड़ा सा प्रेस करेंगे और बस थोड़ा सा रिफाइंड डालेंगे, और रिफाइंड को हमें धीमा ही रखना है। मैंने बताया अभी अपने वीडियो में कि मैं जो भी रेसिपी बनाती हूँ धीमे आंच में ही बनाती हूँ। उससे क्या होता कि जो हमारी रेसिपी बनेगी वो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार।